हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों मैं जो आपके लिए आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो एक इंटीग्रल दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 डी एक्स। ठीक है, और प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर जो ए है वो रियल एनालिस रियल वैल्यू रखता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक इंटीग्रल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वी कंसीडर कर लेते हैं, वी कंसीडर एन इंटीग्रल। ठीक है, हमने एक इंटीग्रल कंसीडर कर दोस्तों, जिसे लेते हैं सी एफ जेड डी जेड, वेयर जो हम लोग यहाँ पर एफ जेड कंसीडर किया ना दोस्तों, वो अपने फंक्शन को देख कर किया है, यानी कि एफ जेड जो हमारा है वो इस तरीके से, जैसे हमारा फंक्शन दे रखा है ना, जस्ट है ना, जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग z ले लेंगे, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 3। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ देखोगे हम क्या करते हैं, इसके बाद इसमें पोल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उससे ही हम अपने कंटूर को, अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो पोल के लिए हम लोग जानते हैं कि नीचे के टर्म को हम लोग जीरो रख देते हैं, तो टर्म जीरो हो जाएगा। अब जैसे हमने इसको जीरो रखा, तो आप लोग जानते हैं कि ये वैल्यू इज इक्वल टू, ये कितने टाइम्स होगा दोस्तों, 3 टाइम्स है ना, यहाँ पर 3 टाइम ऐसा होगा क्योंकि पावर 3 है। तो z बराबर कितने निकल आएगा दोस्तों, प्लस माइनस का ए आई, और कितनी बार आएंगे सर, ये 3 टाइम्स आएंगे, तो हम 3 टाइम इस तरह से कंडीशन में हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना हमने कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि हमारा जो कंटूर है, अब हम जो कंटूर बनाने जा रहे हैं उस पर यहाँ जो है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे रियल लाइन पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम रियल लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक हम ना कंटूर बना लेते हैं इस तरीके से, ये कर्व बना लिया। अब ये ओवरऑल जो बना है, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो इतना पार्ट और ये ऊपर, ये पूरा मिलकर दोस्तों एक क्लोज्ड हो गया। इसका पूरे का नाम होता है कंटूर, क्लोज कंटूर, इसको हम नाम देंगे सी का। ठीक है, और ये पार्ट हमने लिया ओरिजिन से, जिस z हमारी एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई है, ये माइनस r हो गया है और ये हमारे पास प्लस का r हो गया है। ये एंटी क्लॉक वाइज हमें डायरेक्शन लेनी होती है, इस तरह से डायरेक्शन ले लिया हमने, और इसका हम नाम रख देते हैं गामा। ठीक है, अब जो कंटूर हमने बनाया है, क्योंकि हमने इस तरह डिज़ाइन किया, क्योंकि हमारे जो पोल हैं वो हमारे इमेजिनरी आ रहे हैं, रियल पर तो कोई पोल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपने कंटूर पर ऊपर पोल मिलेंगे हमें, यानी ऊपर प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं। चलिए, जो कंटूर आपने दिखाया है उस कंटूर के बारे में लिख देते हैं। तो वी कंसीडर ए क्लोज्ड कंटूर, सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लोज कंटूर कंसीडर करते हैं, जिसका नाम दोस्तों हम रख रहे हैं सी। ठीक है, और जो कैसे बनाया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम करा है, एक सेमी अपर, ये ऊपर की तरफ जो लिया है ना, सेमी अपर लार्ज सर्कल। ठीक है, लार्ज सर्कल, जिसका नाम रखा है गामा, और जेड का मोड इक्वल्स टू आर, और दूसरी कंडीशन दोस्तों हमने लिया रियल एक्सिस, वो कहाँ से लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, इतना काम हमने कर लिया। और क्या दो कि जैसे फिगर में हमने आपको दिखाया है, ताकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ हमारा छूट जाता है लिखने से, तो दिखा दो जैसे फिगर में हमने दिखाया है, शोज इन फिगर। चलिए, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसके बाद लगाते हैं दोस्तों कोची, कोची रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, कोची रेसिड्यू थ्योरम में क्या होता है कि पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जो निकालते हैं क्लोज कंटूर के अंदर, तो वो हमारे 2πi सम ऑफ रेसिड्यू के बराबर आती है दोस्तों। ठीक है, अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों, पूरा कंटूर के अंदर लिया ना हमने, तो किस्तों में निकाल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना आसान है ना, हमने इसे इजीली डिफाइन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम लेंगे ना रियल एक्सिस पर, तो यहाँ पर जेड तो आएगा नहीं, क्योंकि वाई हमारा जीरो है, तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स में। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंटूर शुरू हो जाएगा आपका। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर अपलोड कर सकूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपने जो सेमी सर्कल था हमारा ये, तो इसको बहुत बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हम बड़ा इसको कर देंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलरिटी कितनी है, एक तो प्लस की है, एक माइनस की है।
अब दोस्तों जब हम इसको ऊपर तक बढ़ा रहे हैं तो आप जनरली देख रहे होंगे कि वाई तो ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये वाली जो पॉजिटिव पोल होगा वो आपके कंटूर में आ जाएगा, है ना। चलिए आपके अगर आपने टिकिंग कर लिया, टिकिंग कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही आपने इन्फिनिटी लिया तो आपका जो कंट्रोल था बहुत बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया यहाँ, तो आपका कंट्रोल जो होगा बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। अब बहुत बड़ा हो गया है तो इसके अंदर जो सिंगुलरिटी है z बराबर ए आई वाली वो इसके अंदर आ गई अब, ठीक है। अब जैसे ही वो इसके अंदर आई तो अब आपको रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना, 2πi सम ऑफ रेसिड्यू। अब आपको सारी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड भी करनी है, रेसिड्यू भी फाइंड करना है, दो काम आपको करने हैं अब, ठीक है। शुरू करते हैं अपना, सबसे पहले हम लोग दोस्तों काम करते हैं रेसिड्यू के लिए। नाउ देखिए दिखा दो, जेड बराबर ए आई जो है इज ओनली वन पोल, केवल एक ही पोल हमारे पास ऐसा है, मगर दोस्तों ऑर्डर कितना है इसका, दोस्तों इसका ऑर्डर था 3, ऑर्डर 3 का हमारे पास एक ही पोल है जो कहाँ होगा, विद इन सी, यानी कि आपके कंट्रोल के अंदर होगा, है ना। तो अब जो आपने कंट्रोल के अंदर ये लिया है तो अब आप यहाँ लिख दीजिए, रेसिड्यू फाइंड करते हैं, ठीक है इस पॉइंट पर। अब हम तो अब हम निकालते हैं 4 रेसिड्यू। देखिए रेसिड्यू दोस्तों हमें निकालना है, अब किसके लिए निकालना है दोस्तों, जेड बराबर ए आई के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेसिड्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिड्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है, कम कैलकुलेशंस वाला है, ठीक है। मैंने और क्वेश्चन और तरीके से भी करके देखी थी इसकी कैलकुलेशन, तो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इन सारी कैलकुलेशनों को नेगलेक्ट करके एक अच्छी सी कम कैलकुलेशन वाला सवाल कंडीशन आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जेड की जगह ए आई प्लस के टी अप्लाई कर देते हैं, ए आई प्लस के टी का होल स्क्वायर हो जाता है, और नीचे भी जहां जहां जेड है आप अप्लाई कर ही देंगे वहां पर, तो ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर की पावर क्यूब में चली जाएगी, यहां तक तो दोस्तों काम हो गया। अब देखिए करना क्या होता है कि जो स्क्वायरिंग है वो आप खोल दीजिए, ऊपर के ऊपर खोल दीजिए, नीचे के नीचे स्क्वायर खोल दीजिए। जब आप ऊपर का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब दोस्तों होता है माइनस का, ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का। फिर आगे देखिए प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के टू, सॉरी प्लस के टू ए आई टी हो जाएगा। ऐसे नीचे ओपन करिए, इसे खोलेंगे तो ए का स्क्वायर की स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, टू ए आई टी हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर आपको बाहर दे रखा था ये वाला, ये हो जाएगा होल पावर। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे से, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसको पहले लिख लेता हूँ दोस्तों, पिछले प्लस वाले को टी स्क्वायर को पहले लिख लिया, ए स्क्वायर बाद में लिख लिया मैंने, कैसा लगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ से करना क्या होता है कि आप जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस कंडीशन में बनानी होती है दोस्तों बायनोमियल, ठीक है, और बायनोमियल में हमें बनाना होता है वन, वो होता है ना वन प्लस एक्स की पावर एन वाली कंडीशन, है ना, तो वाली बनानी होती है हमें, तो एक वन हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वन कैसे बनाएंगे, तो वन बनाने के लिए दोस्तों हम ऐसा करते हैं, उस टर्म को कॉमन लेते हैं जिसमें पावर कम होती है टी की, जैसे टी में बनाना बाइनोमियल तो टी की पावर कम होनी चाहिए, यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर टू टी है, तो हमें ये वाला टर्म जो है कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं अपनी कंडीशंस को आगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत इजी है, सबसे आसान तरीके से कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये तो बन गया। अब आपने जैसे यहाँ पर ना टू ए आई टी कॉमन लिया तो आपका बनेगा, यहाँ तो बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, टी स्क्वायर के अपॉन में टू ए आई टी हो गया और यहाँ पर हो जाएगा वन। दोस्तों जैसे मैं बाहर निकालूंगा ना, पावर भी तो 3 है ना, तो बाहर वाले की पावर भी तो 3 हो जाएगी ना, इसलिए हम पावर 3 आई है, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये टर्म जो है आपको ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए टी वाई रह गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर 2 की पावर 3 करूँ कितना आ जाएगा आपका 8, ए की पावर 3, और आई की पावर 3 का मतलब होता है आई इंटू आई इंटू आई, मतलब आई आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, और टी की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। और बाकी टर्म जो है आपका ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 ए आई टी की पावर माइनस 3 ऊपर। अब इसे दोस्तों ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में मेरा ये सवाल आ रहा होगा। वैसे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, एक तो इसमें रेसिड्यू कंडीशन बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने निकालने के लिए, ठीक है, और एक यहाँ पर जो इंटीग्रल है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रल,
क्योंकि अक्सर परेशान करते हैं ना बच्चों को, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा डाले जाते हैं क्वेश्चन वाले। तो पहले तो हमने क्या खोलते हैं, बाइनोमियल में वो होता है एक्स की पावर एन जो होती है वैसे खोलते हैं, वन प्लस एन एक्स, फिर आती है एन, एन माइनस के वन अपॉन टू फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने भी ऐसे कर दिया। अब प्लस हमारा पावर है माइनस के तीन, तो माइनस के थ्री, माइनस के थ्री माइनस के वन अपॉन फैक्टोरियल टू और अपने टर्म का स्क्वायर टू ए आई, यहाँ पर स्क्वायर था ना हमारा स्क्वायर और टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा इजी कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन को, उसके बाद सोचते हैं कि आगे कैसे करना है। सॉरी, यहाँ पर थ्री पावर थी ना। चलिए दोस्तों देखो, पहले यहाँ पर एक पावर का बजे कम, वन माइनस के थ्री, टी बचेगा टू ए आई। ये काम यहाँ पर भी हो सकता था, मैं ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो आगे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस के तीन, माइनस के तीन, माइनस के एक, माइनस के चार हो जाएंगे, ये माइनस के तीन है तो इसका तो दोनों माइनस देंगे तो प्लस का हो जाएगा बाहर, थ्री डॉट फोर अपॉन टू। यहाँ पर दोस्तों एक टी नीचे है एक टी ऊपर, तो एक बचेगा टी, तो स्क्वायर लग रहा है तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दो का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एक स्क्वायर करूँगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आई का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों यहाँ, है ना। आई का स्क्वायर का मतलब माइनस होता है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस फिर। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो चार से चार कट जाएगा, तो आपका जो कंडीशन बनेगी अब फाइनल में वो कितनी बनने वाली है, सबसे पहले तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के टू ए आई टी, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। एक काम और करते हैं साथ साथ, ये टी की जो पावर थ्री है ना इसको अंदर भेज देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे चाहो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको अंदर भेजना फ़ायदे में रहेंगे। मैंने अंदर भेज दिया इसको, यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक टी है तो एक टी कम हो जाएगा, मतलब माइनस के थ्री अपॉन टू ए टी स्क्वायर बच जाएगा, है ना, तीन जा रहे हैं ना इधर। जैसे इसके अपॉन में आएगा तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी की पावर थ्री नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बचेगा आपके पास, ओनली थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर, ओनली टी बचेगा, है ना, ये कंडीशन होगी। ओके, अब दोस्तों यहाँ तक जब हम कर लेंगे ना, यहाँ सबसे मेन काम है, बस सबसे मेन काम ना यही है। अगर आप यहाँ सीख गए समझ लो रेसिड्यू निकालने का, ये बेहतरीन तरीका आपके समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। इसमें ना वन अपॉन टी का कोफिशियंट लेना होता है दोस्तों, जो डेफिनेशन मैंने रेसिड्यू को डिफाइन की है वो इसी कंडीशन को लेकर डिफाइन की है। आप ज़रूर मेरा लेक्चर देखना, रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर मैंने अपलोड किया है लेक्चर, वो देखिए। मुझे टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में से उससे करनी है जिससे मेरा वन अपॉन टी बने, तो टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं करूँगा वन अपॉन टी की पावर थ्री से, तो मुझे मिलेगा ओनली टी, वन अपॉन टी मिल जाएगा, वो गुणा में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई में कितना मिलेगा, ओनली उसका वन। ठीक है, अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कैसे करूँ ताकि मुझे टी मिल जाए, तो जनरल सी बात है आप इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ वन अपॉन टी आपका पहले से प्रेजेंट है ना, आसान रहेगा ना ये करना, तो हमने यही कर दिया अप्लाई भैया। तो कितना बनेगा हमारे पास, थ्री ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, और ये टर्म भैया माइनस में था, यही माइनस में है तो क्या बन जाएंगे, ये प्लस में। ठीक है, अब भैया इसकी मल्टीप्लाई करो, टी ऊपर है नीचे टी स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ इससे, तो टी ऊपर एक, एक टी नीचे, तो वन अपॉन टी बचेगा, नहीं बचेगा आपका, तो रिजल्ट आएगा माइनस में टू ए आई। ठीक है, और इनटू में दोस्तों थ्री बचेगा अपॉन में टू ए बचेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर आई भी चल रहा था, आई कैसे रह गया, आई यहाँ आई बचेगा दोस्तों, तो आई भी बच गया आपका। ओके, ये आई चल रहा था यहाँ, है ना, यहाँ पर आई लिखे से रह गया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, माइनस के वन अपॉन एट ए की पावर थ्री आई, अब जो रिजल्ट बनेगा आपका वन बना, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का थ्री अपॉन टू बनेगा, और यहाँ पर दोस्तों ये पूरा पूरा कैंसिल आउट बचा माइनस का थ्री। ओके, अब इतना काम हो गया दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास जो बचेगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें इसे आगे करना है। हमारे पास जो रेसिड्यू बचा बच्चा आपके पास माइनस के वन अपॉन एट ए की पावर थ्री आई, और इसे सोल्व कर लो कम्प्लीटली, आपको मिलेगा माइनस के वन अपॉन टू, तो फाइनल आपको मिलेगा वन अपॉन सिक्सटीन आई ए की पावर थ्री। ये आपका दोस्तों रेसिड्यू निकल कर आ गया। ठीक है,
एक ही रेसिड्यू निकल कर आना है, तो इसलिए क्या टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे अब हम, है ना। अब हम जो काम करेंगे वो इस इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन के लिए हम थ्योरम को यूज़ करेंगे एक, ठीक है। चलिए एंड अब क्या करना है हमें, हमें लिमिट लेनी है z टेंस टू इन्फिनिटी z एफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z, और फंक्शन को दोस्तों अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ऊपर जो बनेगा z की पावर 3 बनेगी, और नीचे कितनी है z स्क्वायर है, और 3 पावर दे रखी, तो 6 पावर हो जाएगी, हो गई। अब इसमें रेटिंग कंडीशन लगा लेते हैं दोस्तों। रेटिंग कंडीशन होती है एक, जिसमें ज़्यादा तेज आपकी वैल्यू भागती है इन्फिनिटी की तरफ, उसकी वैल्यू को वैलिड माना जाता है। यह z की पावर 3 है, z की पावर 6 है, कौन तेज भागेगा, ये भागेगा ना। अगर आप 2 रख देंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, यहाँ 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए नीचे का नंबर पहले इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, इसलिए रिजल्ट नीचे का इन्फिनिटी हो जाएगा। नीचे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वैसे भी आप कैसे भी लगाओ कंडीशन, बहरहाल आपका रिजल्ट जो आना है ना वो 0 ही आना है। तो अब मैं थ्योरम लेता हूँ यहाँ। थ्योरम क्या होती है दोस्तों, वो कहता है कैपिटल आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, और सर्कल आपका लार्ज होना चाहिए, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी का, डी जेड होना चाहिए, आई पाई माइनस के 0 और इंटू के, की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या है यहाँ पर 0 है, तो हम टर्म लगाएंगे 0। अब आते हैं दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो अपनी मेन इक्वेशन थी, जहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को डिफाइंड किया था। तो ये रही हमारी मेन इक्वेशन, यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा ऐसे ऐसे नोट कर देंगे, ये मान इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, एफ एक्स है, डी एक्स है, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, और 2πi आ गया है, और रेसिड्यू हमने दोस्तों यहाँ निकाला ही था, अभी इसी में निकाला था दोस्तों, ये निकाला था, है ना। तो 2πi 1/16i a की पावर 3। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया दोस्तों वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर की पावर होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू आई से आई कैंसिल, एक तो बचा आपका पाई, और 2 से ये टाइम चले जाएगा 8 ए की पावर 3। आपको मेरे लेक्चर कैसे लगा दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।